हरि ओम, और मैं हूँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट विवेक शुक्ला। ये वीडियो का टॉपिक है करियर काउंसलिंग बच्चों के लिए। भाई भगवान का बहुत सौभाग्य रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आए हैं अपने बच्चे का भविष्य पूछने के लिए, उनको मैं हेल्प कर पाया। 2 सेकेंड में आपकी हैंड राइटिंग देख के मैं आपके बारे में सब जान सकता हूँ। मेडिकल ग्राफोलॉजी का मैंने यूज़ करा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कितने सालों से मैं करते आ रहा हूँ, कॉलेज में था तब से करते आ रहा हूँ, तो अच्छा लगा। और पेरेंट्स आ के अपनी हर एक बात बताते थे। भगवान हनुमान जी का सौभाग्य है कि आज वो ज्ञान मिला, और तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे ज़रूरी बात है पेरेंट्स जो देख रहे हैं कि भाई बच्चा आपका सामान नहीं है और आपका बिजनेस का सामान, आपका बिजनेस का मालिक है, सामान नहीं। आपने अपने बिजनेस प्लान में बच्चे को डाल दिया, सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप। आपकी जीवन भर की मेहनत को आप बेकार कर देते हो। आपको बच्चे को आपका प्यार चाहिए, आपका बिजनेस पैसा तो वो खुद भी कमा सकता है। आप तो अपना पैसा भी उसको दे रहे हो, सही है, लेकिन अब आप उसमें ये करिए कि उसमें क्या गुण है, कौन सी क्वालिटीज़ है, वो पता लगाइए। वो एप्टीट्यूड टेस्ट 500 रुपये में शॉर्टकट मत मारिए भाई। एप्टीट्यूड टेस्ट और नेट पर कुछ नहीं मिलता है ना। मैं तो ज्योतिष पे विश्वास करता हूँ कि ज्योतिष एक साइंस है, वो बात मान लीजिए। एक मुझे अच्छी तरह बहुत बड़े एक शेट्टी फैमिली है जो बड़े बड़े फिल्म स्टार से लिंक्ड है, वो उनके परिवार के बच्चे आए थे, नाम तो नहीं बताऊँगा, वो तो मैं इस जीवन में लेके जा रहा हूँ वो सब नॉलेज, लेकिन मैं किसी को बताऊँगा नहीं। यही तो काउंसलिंग की खासियत होती है कि आपकी एक एक राज की बात हम दिल में रखते हैं। इस कान से आता है, इस कान से निकलता नहीं है, अंदर रह जाता है, ज़िंदगी भर यही रहेगा भाई। अब तो हनुमान जी मालिक है उसके, वो आपका दुख दर्द हमें देते हैं, हमें तकलीफ होती है, फिर वो हमसे दुख दर्द ले लेते हैं, बस वही वाली बात है। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि ज्योतिष में उनके इसमें आया था कि वो पानी से संबंधित काम करेंगे, और मैंने साइंस में निकाल लिया कि भाई ये चीज़ करेंगे और वही चीज़ें आ रही थी, तो वो करिए। अरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होती, RBC WBC काउंट, उसका रेशियो से पता चलता है बच्चे कौन का कॉन्सेंट्रेशन, बच्चा साइंस ले कि ना ले, आर्ट्स लेके ना ले, हाँ, लेकिन साइंटिफिक मेथड यूज़ करिए। तो शायद आपको ये जल्दीबाजी ना करिए, और ये नहीं कि बस मैं तो तय किया हूँ बच्चे को इंजीनियरिंग करनी। आजकल देखिए हर हर बच्चा 30s में 40s में 50s में करियर चेंज कर रहा है भाई। इंजीनियर बैंक में काम कर रहा है, मेरा भाई भी वही कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है आपको ये इंजीनियरिंग के पीछे पढ़ने की। कोई अब वो जॉब सिक्योरिटी वाला ज़माना नहीं रहा, 1980s नहीं है भाई, 1990s नहीं है। तो आप ज़रूर इस बात पे फोकस करिए, गौर करिए कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका बच्चा आपका आपका है, जीवन है आपका। तो जब जीवन है आपका तो उसको कुछ तो समय दीजिए। शुरू शुरू में मैंने काउंसलिंग की थी, तो हाँ मैंने बनाया था एक स्टडी सर्कल जहाँ जूनियर्स को सीनियर्स ट्रेन करते हैं, हाँ। तो टीचर्स नहीं होते, पहाड़े के टीचर्स हमने कभी लिए नहीं, थाने स्टडी सर्कल चार्ज मारिएगा जी। तो काउंसलिंग खरीद तो पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, कोई फीस वीस नहीं दी। एक तो बोलते कल कर लेता हूँ, ठीक है, अब हम भी कॉलेज में थे, ठीक है चलो हेल्प कर रही है भावना से। बाद में और सारी गर्ल्स बहुत सारी आई मैनेज करने के लिए काम, जो सीनियर स्टूडेंट्स थी वो भी वही देखी, तो उन्होंने रूल बनाया। और ये भाई मैं तो नारी की बहुत इज्जत करता हूँ कि हाँ नारी के मन में शक्ति है, तो उनको मैंने मैनेज करने का मौका दिया। और ये हुआ कि भाई रूल्स कुछ तो कुछ फीस फ्री में नहीं होना चाहिए, फ्री में दिया नॉलेज फिर एनर्जी का गिव एंड टेक नहीं होता, फिर बच्चे को नुकसान करता है आपके। तो भाई ये बात भी सही है, मैंने खुद देखा ये चीज़ क्यों होता है। तो फीस तो हम लेते हैं, और अब हमने टाइम वाइज कर दिया हुआ है, और सबसे महंगा है मैं शायद 15-20 हज़ार रुपये लेता हूँ काउंसलिंग का। टाइम लगता है ना उतना, माँ बाप सवाल नहीं पूछते, मन में दबा के रखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 12 घंटे काउंसलिंग हुई है, 12-12 घंटे, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। 3 रिपोर्ट बनाता हूँ, बच्चे में कौन से गुण हैं, और वो दूसरा करियर प्लानिंग, तीसरा है रेमेडीज लिस्ट, बच्चे को इम्प्रूव कैसे करना है ना। तो ये तीनों चीज़ बन जाती है, लेकिन बच्चे के हिसाब से, हाँ। और एक रिपोर्ट देता हूँ लाइफ लॉन्ग रिपोर्ट कि बच्चे में ये जीन्स इतना परसेंटेज है। तो ये चीज़ जीन्स वाले जेनेटिक क्वालिटीज, जीन्स नहीं जेनेटिक क्वालिटीज़ जो ग्राफोलॉजी से मालूम पड़ती है, वो है ना। कोई जीन मैपिंग नहीं कर रहे हैं, जीन मैपिंग फिलहाल हमारे देश में है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना, बता दो साफ साफ। भाई जीन्स चेक करते हैं, जीन्स चेक करते हैं, जेनेटिक क्वालिटीज चेक करते हैं,
थर्टी जो भी होती है, जेंडिंग ही होती है ना, तो वो कौन से गुण है माँ बाप से, खानदान से आ रहे हैं, वो हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, तो ये चीज़ आप समझिए कि इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग, कि मैं तो कहता हूँ 10 ईयर्स के बाद बच्चे की प्लानिंग पूरी कर लेनी चाहिए, पूरा प्लान कर लीजिए, जितना जल्दी आप आइए काउंसलिंग के लिए। 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड बहुत लेट हो जाता है आपको 10th के बाद, है ना। और गर्ल्स के लिए, मैं गर्ल्स साइकोलॉजिस्ट हूँ, गर्ल्स के लिए तो वो और जल्दी, मैं कहता हूँ कि 10th के बाद तो सोचो ही मत, मतलब इट्स टू लेट फॉर गर्ल्स, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि गर्ल्स कोई कोर्स वापस नहीं कर सकती, बॉयज़ तो कर लेते हैं, करते भी हैं ना, तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताऊँगा, कोर्सेज, कोर्सेज, कॉलेजेस, सब कुछ बता देता हूँ मुंबई में, तो है ना। तो ये सब आपके मन में जितने सवाल हैं, जितने प्रश्न हैं, जितनी बातें हैं, आप सब हमसे पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट है, शंका है, वो आप लिख के रखिए, बच्चे का बॉडी, माइंड, करियर, हैबिट, पर्सनैलिटी, स्टडीज, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, ध्यान लगना ना लगना, फ्रेंड्स, पढ़ाई करने का तरीका, स्टडी प्लान, डेली स्टडी प्लान, हर चीज़ हम बारीकी में डिस्कस करेंगे, जितना आप पूछोगे उतना आपको हम बताते जाएंगे, और आपके बोलने का वेट नहीं करते, हैंडिंग देख के हम खुद बोलने लग जाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, फिर आपके 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं। तो बेसिकली, एक्सक्यूज मी, तो ये है कि भाई आपको पेरेंट काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग पेरेंट्स की होती है, बच्चे के तो सिर्फ चेकिंग हो रही है ना, तो काउंसलिंग आपको करना है कि आपके बच्चे के साथ आपको कैसे डील करना है ना, उसके गुण क्या है, आपको कहाँ पे फिट करना है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये ज़रूर करिए। होमवर्क देता हूँ कि आपके मन में जितने सवाल हैं, जितनी बातें हैं, सब कुछ आप लिख के तैयार रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं कुछ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी जाता हूँ, 11th 12th के बच्चे, वो मुझे जानते नहीं कि हाँ मैं साइकोलॉजी का, मैं बोलते साइकोलॉजी का कोई कोई टीचर हूँ, बस यही जानते हैं, तो लेकिन वो जानते नहीं कि मैं इस चीज़ का बादशाह हूँ इस देश में, शायद दुनिया में भी बहुत कम लोग होंगे, कि करियर प्लानिंग मैं बता देता हूँ, और वो आज तक तो सचमुच 100% आया है, तो वो अच्छा लगता है कि भगवान ने ये नॉलेज दिया है, और भगवान का शुक्रिया, धन्यवाद कि भगवान ने ये दिया है मौका। तो अब इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, आप कोई भी हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ, मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं आपके परिवार में कुछ ज्ञान की चीज़ें बांट सकूँ। हरिओम।